हेलो बच्चों, वेलकम टू सेंटम एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं हर दिन एक नया सवाल। तो आज आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लेके आए हैं एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले द रियल नंबर एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर एन इक्वल टू 2, 4, 6 and 8। देन x² + y² + z² + w² / 9 इक्वल्स। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। बट दोस्तों ये क्वेश्चन एक्चुअली में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इन 4 वैल्यूज़ ऑफ n के लिए ही सेटिस्फाई होता है। तो अगर हम लोग n² को एक नया वेरिएबल मान लें और पूरे के पूरे इक्वेशन को यूँ ट्रांसफॉर्म कर लें, x² / (t - 1²), y² / (t - 3²), z² / (t - 5²) प्लस w² / (t - 7²। तो क्या हम कह सकते हैं ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट्स होंगे दोस्तों 2², 4², 6² and 8², क्योंकि हम लोगों ने n² को t माना हुआ है और n की वैल्यू हो सकती है 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा उन t वैल्यूज़ के लिए जो कि होंगे स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स 2², 4², 6², 8²। जी हाँ दोस्तों, तो आइए यहाँ पे हमारे पास साफ तौर पे एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आने वाला है। जी हाँ, डिग्री 4 पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसको हम कह सकते हैं वो बन के आने वाला है, और जिसके रूट्स यहाँ पे होंगे 4, 16, 36 और 64। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे हेल्पफुल साबित होगा हमारे x² + y² + z² + w² / 9 की वैल्यू निकालने में। तो दोस्तों सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेते हैं जो कि हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ (t - 1), (t - 9), (t - 25) और (t - 49). तो हम उसको अगर हम राइट साइड लेके जाते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह सिंप्लीफाई होगा। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ जो सम ऑफ द रूट्स होगा वो होगा द कोफिशिएंट ऑफ द t³ टर्म विद अ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द t⁴ टर्म, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जाहिर तौर पे अगर हम इसको एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल के रूप में देखें तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t⁴ होगा 1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ t⁴ होगा। दोस्तों आइए समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ t⁴ क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ t⁴ में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड से आपको मिलेगा -x², -y², -z², -w², और जो राइट साइड पे है आपको मिलेगा -1, -9, -25, -49। तो ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ t³। बाकी कोफिशिएंट्स निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं बहरहाल बस यही लिख के छोड़ दूंगा समथिंग t², समथिंग t एंड सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। जी हाँ, तो ये है हमारा ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके सम ऑफ द रूट्स होंगे x² + y² + z² + w² + 1 + 9 + 25 + 49। जी हाँ, और हमें यह भी मालूम है कि जो हमारे रूट्स एक्चुअली हैं वो हैं 2², 4², 6² and 8²। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा साफ तौर पे दिख रहा है कि x² + y² + z² + w² यहाँ आसानी से निकल के आ जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, आइए निकालते हैं। तो x² + y² + z² + w², और इनको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 50, 59 and 84। जी हाँ, राइट साइड पे आपको मिलेगा 100, 120। जी हाँ, तो x² + y² + z² + w² कम्स आउट टू बी 36, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें वो है x² + y² + z² + w² डिवाइडेड बाय 9। जी हाँ, जो कि हमारा सिंपली आ जाएगा 4। तो ये आंसर यहाँ पे हमारा 4 निकल के आता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाय 9, इसका आंसर आ जाएगा 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।